हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशन चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है एक्रेलिक वॉल पुट्टी और वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी में क्या अंतर है आज हम इस वीडियो में फॉलोइंग टॉपिक को कवर करेंगे जैसे फर्स्ट एक्रेलिक वॉल पुट्टी और वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी में क्या अंतर है यूसेज एरिया मतलब एक्रेलिक वॉल पुट्टी को कहाँ यूज़ करना चाहिए और वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी को कहाँ यूज करना चाहिए थर्ड पेंट से पहले वॉल सर्फेसिस पर पुट्टी क्यों करनी चाहिए फोर्थ पुट्टी करने से क्या बेनिफिट्स हैं साथ ही आपको बताएंगे मार्केट में अवेलेबल बेस्ट पुट्टी प्रोडक्ट कौन से हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स और लास्ट में डिस्कस करेंगे इन सभी के प्राइस रेंज तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्रेलिक वॉल पुट्टी और वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी में अंतर समझ लेते हैं एक्रेलिक वॉल पुट्टी एक वाटर बेस्ड रेडी टू यूज पुट्टी है इसे पॉलीमर टाइटेनियम डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक फिलर के कंपोजिशन से तैयार किया जाता है यह पेस्ट फॉर्म में आती है वहीं दूसरी तरफ वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी एक सीमेंट बेस्ड पुट्टी है जो पाउडर फॉर्म में आती है एप्लीकेशन के लिए इसमें पानी डालकर पेस्ट तैयार किया जाता है नेक्स्ट इज यूसेज एरिया एक्रेलिक पुट्टी को सिर्फ इंटीरियर वॉल सर्फेसिस पर यूज किया जा सकता है पर ध्यान दें सिर्फ पीओपी पनिंग की गई वॉल्स या सीलिंग पर ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है आज से कुछ साल पहले चौक मिट्टी और इनेमल पेंट को मिक्स कर यह पेस्ट तैयार किया जाता था जो कि पीओपी पी पनिंग की गई वॉल्स पर अप्लाई किया जाता था ऐसे करने से दीवार पर एक स्मूथ रिच फिनिश पेस्ट तैयार होता था जिस पर पेंट अप्लाई कर एक लग्जरी फिनिश मिलती थी यह चौक मिट्टी और इनिमल पेंट का पेस्ट आज भी पेंटर्स द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है इसी पेस्ट का ऑल्टरनेटिव है यह एक्रेलिक वॉल पुट्टी क्योंकि अब पेंटर भाइयों को चौक मिट्टी और इनेबल पेंट मिक्स कर जो पेस्ट तैयार करना पड़ता था अब उसकी कोई नीड नहीं है अब वह रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल है जिससे अब पैसा और समय दोनों की बचत हो सकती है दूसरी तरफ वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी को कंक्रीट और सीमेंट प्लास्टर वॉल पर डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है इसे इंटीरियर और एक्सटीरियर सर्फेसिस दोनों पर ही यूज़ किया जा सकता है सीमेंट पेस होने के कारण इसमें सुपीरियर बाइंडिंग क्वालिटीज होती हैं यह प्लास्टर्ड वॉल में आई क्रैक्स को फिल कर देता है और सुपीरियर स्मूथ फिनिश देता है नेक्स्ट इज पेंट से पहले वॉल सरफेस पर पुट्टी क्यों करनी चाहिए एक्चुअली लोग ये समझते हैं कि अच्छा पेंट सिलेक्शन ही अच्छी वॉल फिनिश देता है पर ऐसा नहीं है एक अच्छी स्टनिंग फिनिश के लिए बॉल पुट्टी का सही सिलेक्शन और करेक्ट एप्लीकेशन जरूरी है यह पेंट के लिए प्रॉपर स्मूथ अंडुलेशन फ्री बेस तैयार कर देता है एक्रेलिक वॉल पुट्टी को आप पीओपी पनिंग की गई वॉल पर यूज कर सकते हैं वहीं दूसरी तरफ सीमेंट वॉल पुट्टी को आप प्लास्टर्ड वॉल पर यूज कर सकते हैं इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर लग्जरी स्मूथ अंडुलेशन फ्री वॉल फिनिश चाहिए तो प्लास्टर्ड वॉल पर पहले पीओपी पनिंग करवानी होगी फिर सैंडिंग, फिर वाटर बेस प्राइमर फिर एक्रेलिक वॉल पुट्टी फिर प्राइमर और फिर कोई भी लग्जरी एमलशन पेंट अगर नॉर्मल मिडिल क्लास फिनिश चाहिए तो प्लास्टर्ड वॉल पर वाइट सीमेंट बेस पुट्टी दो कोट फिर सैंडिंग, फिर प्राइमर और फिर कोई मीडियम रेंज का पेंट जैसे ट्रैक्टर इमल्शन या फिर एपकोलाइट एमल्शन नॉट वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी में वॉल सैंडिंग के बाद स्मूथ तो हो जाएगी पर तो रहेगा और दूसरा आप लग्जरी इमल्शन पेंट वाइट सीमेंट पुट्टी की गई वॉल पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको डिजायर्ड फिनिश नहीं देगा और पैसे भी खराब कर देगा लग्जरी फिनिश के लिए प्यो पनिंग मस्ट है चलिए अब मार्केट में अवेलेबल कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर लेते हैं पहला है एशियन पेंट्स का एक्रेलिक वॉल पुट्टी दूसरा है का हैप्पी वॉल एक्रेलिक पुट्टी वाइट सीमेंट पुट्टी में जेके सीमेंट सीमेंट मैक्स और बिल्ला वाइट पुट्टी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं चलिए अब इनकी टेक्निकल डिटेल्स देख लेते हैं एक्रेलिक वॉल पुट्टी एक पाँच दस बीस और पैंतीस किलो की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है एक के जी पुट्टी एक कोट करने पर 38 से 44 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है और दो कोट करने पर 24 से 35 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है वहीं दूसरी तरफ एक किलो वाइट सीमेंट पुट्टी 60 से 70 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगी और दो कोट करने पर 35 से 40 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगी तो चलिए अब इनके रेट्स जान लेते हैं एक्रेलिक पुट्टी के रेट कुछ इस प्रकार हैं एक किलो पुट्टी आपको सत्तर से पचहत्तर रुपये पड़ेगी पाँच किलो 325 से 335 रुपए, 10 किलो 605 से 640 रुपए, 20 किलो ग्यारह से ग्यारह रुपए। वहीं दूसरी तरफ सिवाइट सीमेंट पुट्टी आपको एक के जी बैग अड़तीस से 40 रुपए पड़ेगा 20 किलो 720 से 740 रुपए, 40 किलो 1200 से 1250 रुपए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डाइम